Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉइड फ़ोन से iOS लॉन्चर या किसी भी लॉन्चर को डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी का टेक्निकल फ्लिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब हमें किसी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से डिलीट करना होता है तो हम नॉर्मली अपने सेटिंग में जाकर और एप्लीकेशन मैनेजर में जाकर उसको वहां से डिलीट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों iOS लॉन्चर को डिलीट करने का प्रोसीजर थोड़ा अलग है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों हम अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों हम अपने एप्लीकेशन में जाते हैं और एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों हम अपने एप्लीकेशन मैनेजर में जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम iOS लॉन्चर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर जो है अनइंस्टॉल का ऑप्शन जो है डिसेबल है और यहां से जो है हमारा iOS लॉन्चर जो डिलीट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको डिलीट करने के लिए हमें जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। तो चलिए यहां से बैक चलते हैं और अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों आपको अपने लॉन्चर का जो है नेम टाइप करके यहाँ से सर्च कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईफोन लॉन्चर या iOS लॉन्चर। अब दोस्तों आपका जो भी ऐप है आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा यह लॉन्चर iOS यहाँ पर लिखा हुआ इंस्टॉल्ड, मुझे यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अनइंस्टॉल, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों देखो आप देख सकते हो हमारा ऐप जो है अनइंस्टॉलिंग हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा ऐप जो है यहाँ से अनइंस्टॉल हो चुका है, यानी कि डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फ़ोन से किसी भी लॉन्चर को जो है डिलीट कर सकते हो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा आने वाले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।